हाँ जी, तो अब आपके साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है जी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर सारा डिपेंडेंट है या रिवॉल्व करता है किन दो चीजों के आसपास? नेचर क्या है मैनेजमेंट का एंड सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस, यानी क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का बिजनेस में। ठीक है जी, आइए तो इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करें। सबसे पहले सॉरी, हाँ जी, तो सुनिए मेरे बात ध्यान से आप लोग। कहता है, अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स गोल बाय चांस। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को बाय चांस अचीव नहीं कर लेती। ऐसा नहीं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने अचीव कर लिया। नहीं, इसके पीछे वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। अब ये प्रोसेस जो है ये डेलिबरेटली फॉलो किया जाता है, यानी पर्पसफुली विद एन ऑब्जेक्टिव फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने लिखा है इसे, इट अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डेलिबरेटली थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स जीरो लेवल टू 100% या एक अच्छे लेवल पर पहुंचती है। तो मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंस है जो हमें समझना है। हमारे पूरे 12th में ही मैनेजमेंट को लेकर काफी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम, किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है ना, आइए जी। देन मैंने डेलिब्रेट का मीनिंग अगर किसी को नहीं पता हो तो यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिए, आप यहाँ रीड कर सकते हैं। ठीक है, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है जी? पर्पसफुल एंड केयरफुल थॉट, सोच समझ कर किया गया काम, एक पर्पस के साथ किया गया काम हमारे लिए क्या कहलाता है? डेलिब्रेट कहलाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, सोच समझ कर किया जाने वाला काम है। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने आपको दो, वो भी आप रीड कर सकते हैं। आप कहें तो मैं रीड कर देता हूं। जैसे बाइंग गिफ्ट ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ कंसिडरिंग योर ऑप्शन, आपको जब एक गिफ्ट लेना होता है तो आप काफी समय तक सोचते हैं। ठीक है, आपको घंटे लग जाते हैं सोचने कि भाई कौन सी चीज अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस हो गया, डेलिब्रेट हो गया। ठीक है, पर्पसफुल, एक पर्पस के साथ केयरफुल थॉट आपने किया, देन वी हैव डिसाइडेड फाइनली कि आपको कौन सा गिफ्ट परचेज करना है अपने फ्रेंड के लिए या और किसी के लिए भी। ठीक है, देन एक और एग्जांपल है, शूटिंग अ गन आफ्टर एमिंग वेरी केयरफुली। आप एक गन को शूट करना चाहते हैं तो आपका जो भी टारगेट है, एम है, उसे आप आराम से ध्यान से पहले एनालाइज करते हैं, देखते हैं टारगेट को कहां पर है वो। ठीक है, और फिर उसे आप शूट करते हैं। ऐसा नहीं कि बस बंदूक उठाई, गन उठाई और आपने शूट कर दिया, ऐसा नहीं होता। सो प्रॉपर थिंकिंग, प्रॉपर केयरफुल थॉट लगाया जाता है। ठीक है, अच्छे से सोचा जाता है, समझा जाता है और फिर उस काम को किया जाता है। मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा ही हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे चले। नेक्स्ट आई हैव रिटन इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो मैनेजमेंट है, ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है जी, फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, सर्विस बिजनेस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ ही बिजनेस में लगता है, बड़े बिजनेस में लगता है, छोटे में नहीं लगता, या प्रॉफिट वाले लगाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगाते हैं। ऐसी बातें नहीं है, मैनेजमेंट तो सभी को करना पड़ता है। एवरी बिजनेस हैज टू कंसिडर दिस। ठीक है, अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है यहां पर आप लोगों के लिए, कहता है मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना, जहां पर लोग मिलकर काम करते हैं। अब मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके एनर्जी को, उनके फोर्स को कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठा करके आप अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल्स को हैंडल करना काफी मुश्किल चीज है। तो मैनेजमेंट आपको इस चीज में भी हेल्प करता है कि जो आपके इंडिविजुअल एक्शंस हैं उनको एक डायरेक्शन देता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, चलिए जी, अब कुछ डेफिनेशन है हमारे सामने। ठीक है, फेमस डेफिनेशन है, वन बाय वन उनको गो थ्रू कर लेते हैं। आइए देखें, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है
हैरल कॉन्स एंड हिंस विरिच के द्वारा दी गई है, ठीक है। इन दोनों ने डेफिनेशन दी थी, देखिए क्या डेफिनेशन है, समझे। इन डेफिनेशंस को आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, क्या रोल प्ले करता है मैनेजमेंट एक बिजनेस में। देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है जी? एक प्रोसेस है ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करता है? डिजाइन करता है एक एनवायरमेंट को, मेंटेन करता है एक ऐसे एनवायरमेंट को इन विच इंडिविजुअल्स, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स वर्किंग टूगेदर इन ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स कैसे काम करते हैं, ग्रुप के अंदर काम करते हैं एफिशियंटली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एफिशियंटली, वैसे आगे डिस्कस करेंगे एफिशियंसी को एंड इफेक्टिवनेस, दोनों आगे आएंगे मेरे पास, अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं मैं, ठीक है। अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, तो अगर आपको कुछ सेलेक्टेड एम्स को अचीव करना है, ठीक है, उन्हें प्राप्त करना है, तो आपको मैनेजमेंट का प्रोसेस लगाना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा एनवायरमेंट देता है आपको, ठीक है, ऐसे एनवायरमेंट को डिजाइन बनाना और उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स ग्रुप में काम करते हुए एफिशिएंटली एक गोल को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में काम करना अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेशन है, लोगों में डिस्प्यूट ज्यादा हो जाते हैं, सबके अपने अपने नजरिए हैं चीजों को देखने के, अपने ओपिनियन है, अपना काम करने का तरीका है, उन सबको साथ लेकर चलने के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए एक डेफिनेशन और देखें आपके साथ, हम दूसरी डेफिनेशन देखिए। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, अगेन ये दूसरी डेफिनेशन, यहां पर भी मैनेजमेंट को एक प्रोसेस का नाम ही दिया गया है, एक प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है मैनेजमेंट, प्रोसेस यही है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कैसी प्रोसेस है, जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस है मैनेजमेंट जिसे आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये प्रोसेस में क्या क्या आप कर रहे हैं, आप प्लान करते हैं चीजें, आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, अरेंज करते हैं, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। ये सब किस में किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस में। क्यों किया जा रहा है? इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। तो आपको यहां पर क्या करना है, इन सबके हेल्प से आपको कोऑर्डिनेशन अरेंज करना है इन ह्यूमंस को कोऑर्डिनेट करना है, और आपके मटेरियल रिसोर्सेज को, जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उन्हें भी अरेंज करना है, या ये हेल्प करता है अरेंज करने में इनको, सो दैट यू कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हुई। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये आपके यहां मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं, जैसे आपने वर्ड यूज किया यहां पर प्लानिंग, ठीक है जी, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये सारे हमारे स्टेप्स हैं, इनके आगे जाके हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम प्लानिंग में क्या क्या होता है, ठीक है, किस तरह से प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या होगा, डायरेक्टिंग में क्या होगा, ठीक है, एक्टिवेटिंग, ठीक है, उसके बाद, और ये दोनों टर्म मैंने बताए, हम आपके साथ अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के, इसलिए मैं फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा हूं। वैसे अगर मैं बात करूं, एफेक्टिवनेस का मतलब है टारगेट को अचीव करना, रिजल्ट को अचीव करना, और एफिशिएंटली का मतलब है क्या होता है, ये क्या होता है, आपको रिजल्ट को अचीव तो करना है, बट कॉस्ट इफेक्टिवली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के साथ करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आगे डिस्कस करेंगे हम। एक डेफिनेशन और देखें यहां पर इन्होंने लिखी है, देखिए जी, कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, अगेन इन्होंने भी मैनेजमेंट को क्या बताया है, एक प्रोसेस बताया है ऑफ वर्किंग विद एंड वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, ठीक है, साथ में लोगों के साथ में काम करना एंड लोगों के हेल्प से काम करना थ्रू अदर्स टू एफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो सबका अपना अपना कहने का अलग तरीका हो गया, बट बात क्या है जी, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो लोगों को साथ लेकर चलेगा, उन लोगों की हेल्प से आपके गोल्स को, आपके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब वो टारगेट्स अचीव करने में दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होगा जी, आपको रिजल्ट अचीव करना है, एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, आपको
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हुए आपने इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ा होगा, ठीक है, आपको अचीव करना है, यानी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वेस्टेज नहीं हो, उसके थ्रू आपने अचीव करना है, तो प्लानिंग का यही काम है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है आपके साथ यहां पर कि कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, मॉडर्न अप्रोच है, आज के समय मैनेजमेंट किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग, क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट पहले आप जरा इन डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और ध्यान रखिएगा कि ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है एग्जैक्टली आपने ऐसे ही लिखना है, थोड़ा डेफिनेशन, क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं दी, डिफरेंट पर्सन ने डेफिनेशन दी हुई है, तो जो भी आपको एक डेफिनेशन अच्छी लगती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है।